देखिए, जितना युवराज को कोमल के वापस आने से खुशी है, उतना ही इस बात का गुस्सा है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा है टेक्निकली, क्योंकि जब उसे कोमल बोलती है कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ है, उसे कुछ याद नहीं है, और उसको इंजेक्शन दिया गया जो एक वीडियो में भी दिखा, तो उसको बहुत गुस्सा इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि एक बहन परी को 7 साल की उम्र में खो चुका है, दूसरी बहन के साथ जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। तो वापस आने की खुशी है, लेकिन अब वो खुशी इतनी ज़्यादा गुस्से में और रंजिश में बदल गई कि उस खुशी से ज़्यादा इस बात का बदला लेने का ज़्यादा जुनून है कि अम्मा जी को नहीं छोड़ना। देखिए, उसे ऐसा इसलिए लग रहा है युवराज को कि अनुष्का का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि इतनी आसानी से जो एक लड़की को किडनैप करवा सकती है, अपने पास रख सकती है, उसे टॉर्चर कर सकती है, खानदान को हिला सकती है, उसे वापस ले आई। लेकिन क्या है ना, उसको सबसे ज़्यादा विश्वास इस दुनिया में अपनी बहन पे। तो जब उसने बोला कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, उसके पास सवाल नहीं उठता कि वो अनुष्का से पूछे कि क्या सही और क्या गलत। देखो, अनुष्का भी आ गई। गलती करती। ये इनके लिए अब यूजुअल हो चुका है, चलम चिल्ली करना मुझ पे, वो क्या गुस्सा दिखाना, ये बड़ा यूजुअल हो गया इनके लिए। सेट पे आते ही नाराज हो जाता। तो हाँ, ये भी सीन वैसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे कोमल के साथ कुछ हो गया है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोमल झूठ बोल रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है वो आपको कोमल को पूछना पड़ेगा। ठीक है, और क्या ड्रामे देखने मिलेंगे लाडो टू में? सो ये व्हाट वाज दैट, ये कहानी है साजिश बदले की, बदले की, प्यार की, एनीवे तो बहुत ज़्यादा ड्रामा मिलेगा आप लोगों को। अब तुमने मेरे दिमाग में डाल दिया वो। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने में, आई एम श्योर। थैंक यू।